बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सर्जरी. माइनर टॉपिक है ये, प्लास्टिक सर्जरी. इसमें से एमसीक्यूज आते हैं. प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? बेसिकली प्लास्टिक इंप्लाइज द स्कल्पिंग और रीशेपिंग. यानी कि कोई भी जब ऑर्गन इंजर हो जाता है, जैसे कि स्किन डैमेज हो जाती है, तो हम स्किन का ग्राफ्ट लगाते हैं. इसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं. ठीक है. आर्ट ऑफ री मॉडलिंग, यानी कि उसको मॉडल करना, एक नए अंदाज से उसको दोबारा से वैसे ही करना. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे पहले हम ग्राफ्ट पढ़ते हैं. ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट बेसिकली क्या होता है? इज अ टिश्यू डेट इज़ रिमूव कम्प्लीटली. एक ऐसा ग्राफ्ट जो है वो एक टिश्यू है जिसे हम कम्प्लीटली रिमूव करते हैं एक साइड ऑफ द बॉडी से. अब जैसे किसी की स्किन डैमेज हो जाती है तो हम दूसरी साइड से लेके उसको उसके ऊपर लगा देते हैं. ठीक है. ग्राफ्ट इज अ टिश्यू डेट इज़ रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी एंड इज सप्लाई टू द एन अदर साइड ऑफ द बॉडी. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सप्लाई. यही है ना कि एक साइड ऑफ द बॉडी से रिमूव किया और दूसरे पे अप्लाई कर दिया और इसे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट्स. उसकी ब्लड सप्लाई के साथ साथ इसे सेपरेट किया जाता है. देयरफॉर डिपेंड ऑन द बीइंग प्लेस ऑन द हेल्दी वैस्कुलर बेड फॉर इट्स रीवैस्कुलाइजेशन. ग्राफ्ट जो है वो स्किन का भी हो सकता है, बोन का भी हो सकता है, और कोई विसरस भी हो सकते हैं. जैसे कि किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है. ठीक है. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. तीन तरह की होती है, ऑटो, एलो और सीनोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एक ही इंसान के एक ही बॉडी पार्ट से उतार के दूसरे बॉडी पार्ट पे लगा लेना. ठीक है. ये है ऑटोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट का ये मतलब होता है कि ट्रांसफर बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी. यानी कि दो ह्यूमन्स हैं, उनके किडनी एक दूसरे ने दूसरे को अल्टरनेट कर दिया. ठीक है. लीवर कर दिया और लीवर ट्रांसप्लांट हो गया ना. जीनोग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ की भी ट्रांसफर्स हो सकती हैं. जैसे किसी और स्पीशी का हम ले कोई भी चीज़ और फिर वो ह्यूमन में ट्रांसफर कर दें. अब स्किन ग्राफ्ट क्या होता है? स्किन ग्राफ्ट इज अ सेगमेंट ऑफ द स्किन दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल बेड डोनर साइड एंड इज ट्रांसपोर्ट डोनर साइड से उतारा और रेसिपिएंट एरिया पे लगा दिया. अब ये ना, इसको हमने दो तरह पे डिवाइड किया. स्प्लिट थिकनेस होता है और एक फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है. ठीक है. स्प्लिट थिकनेस जो होता है ना, इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है, जबकि फुल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है. प्रायर टू ऑल द स्किन ग्राफ्टिंग, वोन वेब्स शुड बी टेकन फ्रॉम द कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू चेक फॉर द. अब जब स्किन ग्राफ्ट लेना हो तो उससे पहले हम वोन का स्वैब लेंगे, देखेंगे उसके अंदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टो को कायद तो नहीं है. ठीक है. अगर वो लगा देंगे तो ये ग्राफ्ट क्लोज कर देता है. सच इन्फेक्शन इज प्रेजेंटिंग अ ग्राफ्टिंग शुड बी रेफर्ड अंटिल द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड विद द आईवी एंटीबायोटिक. अब स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट क्या होता है? पहले अब हम पढ़ेंगे स्प्लिट, फिर फुल पढ़ेंगे. स्प्लिट थिकनेस में हमें पढ़ा था एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है. ठीक है. ग्राफ्ट इज टेकन विद अ स्पेशल नाइफ विच कंट्रोल द स्किन थिकनेस. अब ये एक खास किस्म का नाइफ बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हम्बेस नाइफ. ठीक है. उसे पता होता है कि उस कितनी एपिडर्मिस और डर्मिस आएगी इसमें, तो वो खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उससे उतार लेते हैं. इसे हम हम्बे नाइफ भी कहते हैं और डर्माटोम भी कहते हैं. स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट होता है ना, ये वैल्यू इसकी याद है कि 0.25 मिलीमीटर होता है. यूजुअल डोनर साइड जो होती है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई से लेते हैं, आर्म से लेते हैं, बटिक से लेते हैं. डोनर साइड फॉर्म न्यू एपिथेलियम फ्रॉम द रेजिडुअल एपिथेलियम ऑफ द सेल्स एंड फ्रॉम द स्किन अपेंडिजेस. अब वो कह रहे हैं जो डोनर साइड है ना, वो न्यू एपिथेलियम बना लेती है क्योंकि उसके ऊपर स्किन अपेंडिजेस होते हैं, हेयर स्वेट ग्लैंड्स, इन 10 to 15 डेज. जो डोनर साइड होती है ना, फॉर्म्स खुद ये खुद ब खुद एपिथेलियम बना देती है क्योंकि उसके पास ये एपिथेलियम चीज़ें होती हैं, स्किन अपेंडेजेस उसके पास होते हैं. ठीक है. डोनर साइट कैन बी हार्वेस्टेड अगेन आफ्टर द 2 वीक. द ग्राफ्ट कैन बी अप्लाइड ऑन द वुंड सच एज इट कैन बी पास थ्रू द मेशर हुक. इसमें क्या करते हैं कि जो हमने डोनर साइट लेते हैं ना किसी रेसिपिएंट से, ठीक है, जिस बंदे से हमने ग्राफ्ट लेना होता है, फिर हम उस ग्राफ्ट को एक मेशर के अंदर से पास करते हैं. ठीक है. मल्टीपल लॉन्गिट्यूडनल होल्स बनाते हैं उसके अंदर. ठीक है. क्यों बनाते हैं ये होल्स? बेसिकली ताकि ग्राफ्ट का सर्फेस एरिया 2 times इंक्रीज कर सके और एनी हीमा, अगर उसके अंदर कोई हीमाटोमा, ब्लड या सीरोमा है, तो हम उसको मशीन के अंदर से डाल के रिमूव कर देते हैं. ठीक है. ग्राफ्ट को फिक्स ओवर कर दिया जाता है वुंड के ऊपर विद सूचर विद स्किन स्टेपलर, या तो सूचर लगा देते हैं या फिर स्किन स्टेपलर के जरिए उसे कर देते हैं ड्रेसिंग और फिर ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं. पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो होता है ना, इफ केप्ट मॉइस्ट, अगर तो ये केप्ट मॉइस्ट रहता है, इसे आप 4 degrees centigrade पे 3 to 4 weeks तक स्टोर कर सकते हैं. वुंड जो होता है वो ऑप्टिमली प्रिपेयर होता है टू इंश्योर द स्किन ग्राफ्ट. इन प्रॉपर वुंड प्रिपरेशन इन द सोर्स ऑफ द मॉइस्ट स्किन ग्राफ्ट, फेलियर स्किन ग्राफ्ट विल नॉट सर्वाइव ऑन द टिश्यू विद लिमिटेड ब्लड सप्लाई. अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी. ये देखिए, हम नाइफ डर्माटोम इससे उतारते हैं और फिर उसे मैश को स्किन ग्राफ्ट मेशर से पास करते हैं. अब फुल थिकनेस, फुल थिकनेस के अंदर क्या होता है, ये एपिडर्मिस, डर्मिस और फुल थिकनेस डर्मिस इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर ऑल द स्किन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड. ठीक है. फुल थिकनेस ग्राफ्ट आर नीडेड टू कवर द फेशियल वुंड्स. फुल थिकनेस ग्राफ्ट कब नीड होते हैं हमें? जब हमने फेशियल वुंड को करना हो. दे प्रोवाइड द गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट. यूजुअल डोनर साइड जो होती है ये कहाँ से लेते हैं? पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया से. वो हमने थाई से देखा था, बटिक से देखा था, यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर एरिया से, आर्म, फोरआर्म और पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया से लेते हैं. ठीक है. ग्राफ्ट आर सूचर, सॉरी उन्होंने यहाँ पे कहा कि डोनर साइड से. ठीक है. ग्राफ्ट आर सूचर टू द रेसिपिएंट साइड. ग्राफ्ट को रेसिपिएंट साइड पे सूचर कर देते हैं, सिक्योर विद द प्रेशर. अब ये हमने ग्राफ्ट लेना कहाँ से था? लेना हमने पोस्टीरियर ऑरिकुलर सुप्राक्लेविकुलर, हमने रेसिपिएंट साइड पे कहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग के साथ सिक्योर कर दिया. गुड सप्लाई टू द रेसिपिएंट एरिया. डोनर साइड्स कैन नॉट हील टू द स्पॉन्टेनियसली एज द फुल थिकनेस ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग द स्किन अपेंडिजेस. अब यहाँ पे देखें कि इसका ना डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, पहले वो अच्छे से कर लेते हैं. स्किन जो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट है ना, इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ पार्ट इन्वॉल्व, फुल के अंदर सारे डर्मिस के सब पार्ट आ जाएंगे. डोनर साइट इसकी क्या होती है? थाई, एब्डोमेन, अपर लिम. ठीक है. इसकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया, आर्म, फोरआर्म. अब जो इसमें है ना, हीलिंग ऑफ द डोनर साइट, ये रीएपिथेलाइज कर लेती है वाजर डर्मल अपेंडिजेस. ठीक है. इसमें वो कह रहे हैं कि प्राइमरी क्लोजर करना पड़ता है विद द स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट. ये 15 री हार्वेस्टिंग जो है 15 दिन के बाद कर सकते हैं, ये नॉन री हार्वेस्टिंग होता है. ठीक हो गया. इसके अलावा इसकी एनेस्थेटिक जो होता है ना, एस्थेटिक यानी कि देखने के अंदर जो अच्छा सही लग रहा होता है, फुल थिकनेस होता है. इसको मैश किया जाता है, इसको मैश नहीं किया जाता और इसके गुड रिजल्ट्स होते हैं.
कैन कवर ओनली द स्मॉल एरियाज, इसको यूज़ करते हैं लार्ज एरियाज़ पर, इसको फेस और इसके अलावा अदर स्किन साइड्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा देखते हैं, अब देखेंगे हम कंपोजिट ग्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। पहले ये देखें, ग्राफ्ट्स आर सुचर टू द रेसिपिएंट साइड एंड सिक्योर द प्रेशर टेस्टिंग ग्राफ्ट कैन बी, वो कह रहे हैं कि डोनर साइड जो होती है ना वो कम्प्लीटली हील नहीं होती एज अ फुल थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट इंक्लूड द स्किन अपेंडेजेस, क्योंकि उसकी स्किन अपेंडेजेस भी रिमूव हो जाती हैं, इसलिए स्मॉल साइज ग्राफ्ट कैन बी टेकन एंड डिफेक्ट ऑफ द डोनर साइड आर क्लोज प्राइमरी आर कवर विद द स्लिट थिकनेस। वो कह रहे हैं जो कंपोजिट ग्राफ्ट होता है ना दे आर यूजुअली स्मॉल पीस ऑफ द टिशू, ये थोड़ा सा टिशू का पार्ट होता है विद मोर देन द सिंगल टिशू। अब ये कहाँ से लेते हैं हम, कंपोजिट ग्राफ्ट जो होता है इसमें एक से ज्यादा टिश्यू इन्वॉल्व हुआ था, जैसे कि नेजल एला रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विद द ग्राफ्ट फ्रॉम द पीना विच कंटेन द कार्टिलेज ऑन बोथ साइड्स, नर्व ग्राफ्ट ले सकते हैं, इसके अलावा टेंडन का ग्राफ्ट ले सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द ग्राफ्ट सर्वाइवल, सर्वाइवल जो है ग्राफ्ट का डिपेंड करता है हैविंग हेल्दी वेस्कुलर बेड्स पर, ठीक है। फैक्टर्स के कौन से होते हैं, लॉस ऑफ द कॉन्टैक्ट ग्राफ्ट टेंशन, ठीक है, फ्लूइड बिनेट द ग्राफ्ट मूवमेंट बिटवीन द ग्राफ्ट एंड द वेस्कुलर बेड। अब इन्फेक्टेड वुंड जो होता है ना ग्राफ्ट विल नॉट टेक ऑन एन इन्फेक्टेड बेड, ग्राफ्ट जो है वो इन्फेक्टेड बेड से नहीं लेना होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एजेंट ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक होता है, ठीक है। हाउ डज द ग्राफ्ट सर्वाइव, अब वो कह रहे हैं ग्राफ्ट सर्वाइव कैसे करते हैं, ये इसके इम्बाइबेशन इनोकुलेशन और रिवेस्कुलाइजेशन। इम्बाइबेशन क्या होती है, जब ग्राफ्ट को अप्लाई किया जाता है ना तो वहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, अलाउ ग्राफ्ट टू सर्वाइव दिस इमीडिएट पोस्ट ग्राफ्ट इस्कीमिक पीरियड, ग्राफ्ट जो है वो फेस ऑफ द प्लाज्मिक इम्बाइबेशन के अंदर वेट गेन करता है, ठीक है, और फ्लूइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एट द एंड ऑफ 18 और क्या होता है, फाइन वेस्कुलर नेटवर्क बन जाता है इसके अंदर, कैपिलरी बेड जो ब्लड वेसल से राइज होते हैं रेसिपिएंट बेड पे मेक द कॉन्टैक्ट विद द ग्राफ्ट, ग्राफ्ट वेसल से कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और ब्लड फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है और स्किन ग्राफ्ट जो होता है वो पिंक हो जाता है। रीवेस्कुलाइजेशन, कैपिलरी बेड इज इवेंचुअली चेंज टू द वेल डेवलप वेसल्स, ठीक है। अब फ्लैप देखते हैं, फ्लैप इज अ यूनिट ऑफ द टिश्यू डेट मेंटेन इट्स ओन ब्लड सप्लाई वाल बींग ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट साइड। अब वो कह रहे हैं कि फ्लैप जो होता है ये एक यूनिट ऑफ टिश्यू है जो कि खुद ब खुद अपनी सप्लाई को मेंटेन कर लेता है जैसे इसको ट्रांसफर किया जाता है डोनर से रेसिपिएंट साइड पे, ठीक है। ग्राफ्ट्स आर ट्रांसफर अनअटैच टू द वेस्कुलर सोर्स एंड रिलाई ऑन द ब्लड सप्लाई एट द रेसिपिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। अब फ्लैप्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं, तीन तरह की होती है, अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट और अकॉर्डिंग टू द टिश्यू। पहले ब्लड सप्लाई पे देखते हैं, इसकी तीन होती है, रैंडम, एक्सियल और फ्री। रैंडम में क्या होता है, एडवांसमेंट फ्लैप, रोटेशनल फ्लैप, ट्रांसपोजिशनल ज़ीब्लास्टी, ठीक है, ग्रोइन फ्लैप और फ्री फ्लैप। डिस्टेंट के लिहाज से देखें तो लोकल फ्लैप्स होते हैं, एक्सियल और फ्री फ्लैप्स, ठीक है। टिश्यू की टाइप से देखें तो स्किन, मसल और कंपोजिट, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं रैंडम, रैंडम में पढ़ा है एडवांसमेंट, रोटेशनल, ट्रांसपोजिशन। रैंडम फ्लैप जो होते हैं इसके थ्री साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बेरिंग नो स्पेसिफिक रिलेशन टू द वेयर ब्लड सप्लाई एंटर इज रेज एंड ट्रांसफर टू द, देयर इज अ टाइप ऑफ द लोकल फ्लैप। अब इसे दो में डिवाइड करते हैं, एडवांसमेंट, रोटेशनल और ट्रांसपोजिशन। एडवांसमेंट जो होता है ना इसमें लोकल फ्लैप जो होता है उसे स्ट्रेच करते हैं फॉरवर्ड टू कवर एंड एज, मतलब एक चीज़ रिमूव किया ना उसे आपने फ्लैप को ज़्यादा सारा खींचा और फिर उस दूसरे को कवर कर दिया, ठीक है। रोटेशनल फ्लैप क्या होता है कि एडजेसेंट एरियाज रोटेटेड, इसे रोटेट किया जाता है ताकि डिफेक्ट को कवर किया जा सके। ट्रांसपोजिशन फ्लैप का मतलब ये होता है कि अब देखिए इसमें यहाँ पे आइस में देखिए, आइस के पास यहाँ पे उसने इसको रिमूव करने के लिए ये लेटर फोल्ड भी इसका रिमूव किया। इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंगल पीस ऑफ द स्किन जो होता है उसे लेटरली टू कवर द एडजेसेंट एरिया। स्किन लियन बिलो द लोअर आई लीड होती है, लियन इज एक्साइज एंड प्राइमरी क्लोई कैन रिजल्ट इन स्ट्रेच ऑन द लोअर लीड टू प्रिवेंट द स्किन फोल्ड इज रेज फ्रॉम द लेटरल साइड। इसमें देखिए उसको कितना अच्छे से कवर कर दिया और इसको रिमूव भी कर दिया और फिर इसको खींच के इसके ऊपर कवर कर दिया, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके स्टेप्स देख लें। जी प्लास्टी होती है, जी प्लास्टी के अंदर क्या करते हैं कि फ्लैप जो होता है एटलीस्ट वन स्पेसिफिक डायरेक्ट क्यूटेनियस आर्टरी, यहाँ पे ये होता है कि जैसे ग्रोइन फ्लैप जो होता है ना कि बेस करता है सुपरफिशियल सर्कमफेरेंस आर्टरी पे, दिस इज द टाइप ऑफ द डिस्टेंट फ्लैप, इट प्रोवाइड्स वेरी गुड फंक्शन कॉस्मेटिक रिजल्ट्स। इसमें क्या करते हैं बेसिकली पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं सर्कमफेरेंस सुपरफिशियल आइलिक वेसल्स को, फिर फ्लैप को रेज किया जाता है, ठीक है, फिर क्लीन किया जाता है वुंड को, फिर पोजीशन ऑफ द वुंड टू बी कवर्ड बाय द फ्लैप को, और इसको ना मतलब ये हैंड मतलब इसके साथ ही लगा रहता है, ठीक है। जब ये गुड सप्लाई और सब कुछ कवर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है तो फिर इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब जो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो ये बेटर फंक्शन कॉस्मेटिक रिजल्ट देता है, हेयर ग्रोथ, स्वेटिंग और सेंसेशन प्रिजर्व रहती है इसके अंदर, ठीक है। फ्री फ्लैप जो होते हैं ये डिटैच कम्प्लीटली फ्रॉम द डोनर साइड विद द सप्लाइंग आर्टरी एंड ड्रेनिंग द वेन। अब ये हमने क्या पढ़ा था, अभी सिर्फ फ्लैप्स पढ़े थे ना, इसके अंदर से हमने देखा था रैंडम पैटर्न फ्लैप्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट हम देखते हैं यहाँ पे फ्री फ्लैप्स क्या होते हैं। फ्री फ्लैप्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली डिटैच कर दिए जाते हैं सप्लाइंग आर्टरी और वेन के साथ और फिर उसका एनास्टोमोस कर देते हैं, वो बन जाता है। इट डिमांड्स हायर सर्जिकल स्किल होनी चाहिए और इसके एडवांटेज होते हैं बीइंग एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट टिश्यू टू मूव ओनली टेक व्हेन इट इज नेसेसरी। डिसएडवांटेज होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा मतलब अब उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू टिश्यू टाइप देखे तो स्किन फ्लैप आर रेज एट दिस सबडर्मल लेवल टेकिंग द फुल थिकनेस ऑफ द स्किन अटैच एट वन साइड थ्रू विच ब्लड सप्लाई एंटर द फ्लैप। मसल फ्लैप जो होती है ये मसल्स मूव किया जाता है टू प्रोवाइड द वेल वेस्कुलाइज टिश्यू बक टू कवर द लार्जर डिफेक्ट। कंपोजिट फ्लैप्स होते हैं ये मोर देन वन टिश्यू टाइप से होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देनी होती है, अगर पुअर एनेटॉमिकल नॉलेज है, टू मच टेंशन है लोकल है तो इसमें केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है।